दूसरी मांग हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस काम को नहीं करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तुरंत बैलेट पेपर वापस लाने का, ईवीएम को बैन करने का जजमेंट जल्दी से जल्दी जनता की मांग पे जल्दी से जल्दी करे, और साथ ही साथ ईडी को सीबीआई को जांच के लिए निर्देशित करे कि जिस काम को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जांच मांग रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए, इलेक्शन जांच के लिए ईडी को और साथ में सीबीआई को आदेशित करे। हमें बड़े विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी एक टीम जो पूरे देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन चला रही है, और इसको हमने देश के कोने कोने में जाकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ऐसे गुंडा तत्व हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम से ही चुनाव हो इसके लिए बैलेट पेपर वापस लाने वाली आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। चूँकि इस आवाज़ में किसान आंदोलन भी जुड़ गए, बैलेट पेपर वापस लाकर ईवीएम हटाने की डिमांड में सारे देश का माइनॉरिटी जुड़ गया, सारे देश का दलित जुड़ गया, सारे देश का आदिवासी जुड़ गया, सारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जुड़ गए। तो इस मूमेंट को ख़त्म करने के लिए हमें इस तरह का विश्वास सूत्रों से पता चला है कि इस मूमेंट में हमारे दो साथी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी, इन दोनों की वो किसी न किसी रूप में कहीं भी पूरे देश के किसी कोने में हत्या करवा सकते हैं। और हमें जो इनपुट मिले हैं वो इतने सीरियस हैं कि वो महमूद प्राचा की हत्या किसी एससी या ओबीसी से करा सकते हैं और भानु प्रताप सिंह जी की हत्या किसी माइनॉरिटी से करा सकते हैं, ताकि ये जो एकीकरण बना है दलित पिछड़ा आदिवासी का माइनॉरिटीज़ का, ये जो सामाजिक एकता बनी है ये सामाजिक एकता टूट जाए और फिर ये पूरी तरह से चुनाव पोलराइज हो जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके इनपुट्स हमारे साथियों को मिले हैं, और वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से तमाम देशवासी को पता लगना चाहिए, ताकि देशवासी किसी भी सूरत में अगर हमारी हत्या हो जाए, हमारी साथियों की हत्या हो जाए, उसके बावजूद ये जो सामाजिक गठबंधन बनाए, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमने तैयार किया है, जो दलित पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यक को सबको एकजुट करके एक भारत को मजबूत करने का जो हमने रास्ता चुना है, वो फिर से टूटने के कगार पे ना आ जाए, किसी भी सूरत में वो टूटने नहीं देना है। और इतना एकजुटता लेके आइए ताकि हम जो लोग की हत्या करने की जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी पता लग जाए, देश के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को, देश के गद्दारों को देश के लोग छोड़ेंगे नहीं जो लोग इस सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए हमारे साथियों की हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? और ये कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग के सूचना में आई हैं, वो इतना सीक्रेट मैटर है कि हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि वो बातें कहां से हमें पता चली है। लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर मांगी गई है, किसी की जान का सवाल है। नहीं तो कुछ सुरक्षा मांगी गई है कि नहीं मांगी गई? जो पांच लोगों का जो कोऑर्डिनेशन टीम इस मूवमेंट को लेके चल रही है, इन पांचों लोगों की ही जान को खतरा है, लेकिन मेन जो हमारे पास इनपुट आए वो किसी तरह हिंदू और दलित, हिंदू और जो मुस्लिम और दलित के बीच में किस तरह इनमें फाट डाली जाए, किस तरह एक दूसरे पर हमला करवा के इनके बीच में एक दरार पैदा कर दी जाए ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव को पोलराइज कराया जा सके, इसके लिए सारी साजिश रची गई है। तो क्या आप सुरक्षा चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर वापस लाओ का जो आंदोलन चला रहे हैं उन सब की जान को खतरा है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, उनको कराना ही चाहिए। अभी हमारे पास सूचना आई है, अभी हम आप लोग के साथ में साझा कर रहे हैं, इसके बाद जो भी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं, मैं खुद एडवोकेट हूँ, महमूद प्राचा खुद एडवोकेट हैं, भानु प्रताप सिंह खुद एडवोकेट हैं, तो हमें लीगल क्या क्या रेमेडीज हमें अवेलेबल हैं सर, रेमेडीज तो हम लोग एडवोकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज आप सबके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो या दलित मुस्लिम के बीच में बिखराव आए या किसी प्रकार का जाति धर्म के नाम पे देश में उन्माद पैदा हो, जो नहीं चाहते हैं, पहले हम उन लोगों को चाहते हैं कि उन लोगों को पता लग जाए पूरा देश एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। सर देखिए दोस्तों, लंबे समय के बाद देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितने आंदोलन हुए हैं, इस देश में या तो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन करके उभरा है,
जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों के लोगों ने मुस्त होकर के लड़ाई लड़ी, और या फिर ये ईवीएम हटाओ आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन चुका है, और इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बनाने में आप तमाम सभी साथियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस कसरत में हम काफ़ी लंबे समय से लग रहे थे, और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमने हर प्रदेश में जाकर के ये कोशिश की है कि इस मोर्चे के अंदर, इस आंदोलन के अंदर किसी भी तरीके की कलिंग ना आए। इसको कोई दलितों का मोर्चा, मुस्लिमों का मोर्चा, वकीलों का मोर्चा, ओबीसी का मोर्चा का करार ना दे। इसलिए तमाम प्रदेशवाइज जो हमने टीमें बनाई है उसमें सभी वर्गों का सहयोग हमें पूरा देश के अंदर मिल रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ग के साथी हैं, राजपूत वर्ग के साथी हैं और क्रिश्चियंस हैं। बहुत अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह पे हमने उनको जिम्मेदारी दी है, और वो तमाम साथी इस आंदोलन को वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ संचालित कर रही है। अब कुल मिलाकर के ये है कि आज इस देश की, केंद्र की सरकार को अगर मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इतना डर आज राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से नहीं है जितना इस ईवीएम के खिलाफ बनते हुए आंदोलन के वजह से हो रहा है, और उनको लग रहा है कि ये मामला अगर ऐसे ही पूरे प्रदेशों में बढ़ता गया और ईवीएम से अगर चुनाव होने के कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिए तो निश्चित रूप से 300 पार और 400 पार वाला फार्मूला उनका ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए जैसा अभी राज्यपाल गौतम जी ने कहा, ऐसी साजिश रची जा रही है कि जो ये सामाजिक गठबंधन बना है, जो एक भाईचारा स्थापित हुआ है एक कॉमन मुद्दे को लेकर के, इसको ख़त्म किया जाए और हमारे ही बीच के लोगों को सामने ला करके इन हमारे दोनों सुप्रीम कोर्ट के लायर्स को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी हत्या कराने की साजिश कराई जाए, ताकि ये लोग धरातल पर समाज के सामने, देश की जनता के सामने एक दूसरे के साथ उलझे रहें। जैसे फॉर एग्जांपल महमूद पराजा जी मुस्लिम होते हुए अगर उनके ऊपर प्रहार, उनके ऊपर हमला किसी दलित से कराया जाता है तो फिर ये मैसेज जाएगा कि दलित और मुस्लिम आपस में भिड़ रही है। यही सेम स्थिति भानु प्रताप सिंह की है, यही स्थिति मणिपुर से चल करके हमारे साथी जो उत्तर भारत से आए हैं इजम साहब, इनके साथ भी यही हाल है, और यही स्थिति मिशन जय भीम के संस्थापक अध्यक्ष राज्यपाल गौतम, चूंकि वो भी पेशे से एडवोकेट रहे हैं, कुल मिलाकर के जो चारों तरफ जो मामला बन रहा है ये उसका एक हिस्सा बनता जा रहा है। आपके सामने ये बात रखने का उद्देश्य ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया जाता है तो जिन लोगों के माध्यम से ये अंजाम दिया जाएगा या दिए जाने की कोशिश की जाएगी, उस देश की तमाम सम्मानित जनता से हमारी ये अपील है कि ये टीम, ये सारे साथी, ये अपने कोई घर परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के 97 करोड़ मतदाताओं की लड़ाई है और इस देश के 150 करोड़ जो है जनता की, भारत देश की लड़ाई है। ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, इसमें हमारे साथ बहुत सारे सम्मानित साथी जैसे बलराज मलिक साहब हैं, डीएन सिंह साहब हैं और तमाम साथी पूरे देश से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। जो ओपीएस का आंदोलन है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है, किसानों का आंदोलन भी धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर अंजाम दिया जाएगा तो ये देश की जनता के सामने इशू आना भी चाहिए, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम चुपचाप ये मोर्चा और मोर्चे को चलाने वाले लोग अगर हमारे ये दो साथियों के ऊपर ही नहीं और इस कोऑर्डिनेशन टीम के सदस्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी साथी हमने नॉमिनेट किए हैं, अगर उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है और उनको कोई भी खरोच आती है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई इस बार देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई होगी और आर पार होगी। इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार और विशेष रूप से तड़ीपार और चौकीदार ये ना समझ लें कि वो ऐसा करके शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ये लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी और हर हाल में 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम हटेगा, हट करके रहेगा। इस आंदोलन को कहीं तक भी ले जाना पड़े इसको हम रुकने नहीं देंगे और आप